आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबाई मर्ज कोरोना वायरस कोविड के फैलाव में इजाफा मुसलसिल जारी है और दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस से हलाक शुदगान की तादाद 5 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 1,04,00,000 से ज्यादा हो गई है। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी तादाद तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद 1,42,09,999 हो गई है, जबकि 5,09,628 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात के आदाद शुमार के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। मुल्क में 2 दिन से कोरोना वायरस के यूमिया केसेस में कमी आने के बाद इस वबा का फैलाव एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,653 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 5,85,000 से तजावुज़ कर गई है और इसी अरसे में मरने वालों की तादाद में 500 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदान बहबूद की बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुतासर अफराद की मजमू तादाद बढ़कर 5,85,493 हो गई है, जिसमें कोरोना के 18,653 नए केसेस भी शामिल हैं। पीर और मंगल को रोज़ाना वायरस के केसेस में कमी की इतला मिली थी, जबकि इतवार के रोज़ 19,906 केसेस, पीर के रोज़ 19,459 से खतरे कम और मंगल को 18,522 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 507 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 17,400 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से शिफा याब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 13,157 मरीज ठीक हुए हैं। अब सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 3,47,979 हो चुकी है। तहम मुल्क में कोरोना वायरस के 2,20,114 फ़ाल केसेस अब भी मौजूद हैं। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दरमियान 945 कोरोना मुस्बित केस सामने आए। GHMC हदूद में 869 केसेस दर्ज आए, जबकि अजला में भी काफ़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर हुए और 3,451 अफराद का टेस्ट किए जाने पर 945 मुस्बित केस सामने आए हैं। रियासत में 7 अमवात हुई हैं। रियासत में 260 मजमूई अमवात हुई हैं। अभी तक सेहतियाब के बाद 7,294 अफराद दवाखाने से डिस्चार्ज हुए हैं, 8,785 जेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 611 नए कोरोना वायरस के मामले रियासत में आए हैं। रियासत में मजमूई तादाद 15,252 को पहुँच गई है। आज 1,28,239 अफराद का टेस्ट किया जाने पर 611 अफराद का टेस्ट किया गया, जिन 611 मुस्बित केसेस सामने आए। अभी तक रियासत में 91,829 अफराद का टेस्ट किया गया। अभी तक 6,988 अफराद सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज हुए और 8,071 अफराद दवाखाना में ज़ेर इलाज हैं। रियासत में अभी तक 193 अफराद की अमवात हुई हैं। सदर जमहूरी हिंद रामनाथ कोविंद ने बुध के रोज डॉक्टर्स डे के मौके पर मुल्क के तमाम डॉक्टरों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी बेलौस खिदमात पर इजहार तशक्कुर किया। मिस्टर कोविंद ने एक ट्वीट में कहा, डॉक्टर्स डे के मौके पर मुल्क के तमाम मालिजीन को मेरी नेक ख्वाहिशात। हम सभी कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ जंग में डॉक्टरों की बेलौस खिदमात के लिए इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा, कौम आपके फ़राइज़ और क़ुरबानी के जज्बे को सल्यूट करती है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बुध के रोज़ डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों की बरादरी को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मेडिकल के कारकुनों की सेहत, इज्जत व एहतराम और हिफाजत की जिम्मेदारी समाज पर आयद होती है। एक ट्वीट सीरीज में मिस्टर नायडू ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मुल्क के मालिजीन ने अपनी फिक्र न करते हुए फ्रंटलाइन वॉरियर्स की हैसियत से सेहत की हिफाजत की है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज में खुद कितने डॉक्टरों और सेहत के कारकुन मुतासिर हुए हैं,
उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स डे के मौके पर अहद करें कि आप अपने डॉक्टरों की हर मुमकिन ताउन और हिमायत करेंगे। डॉक्टर और सेहत के कारकुनों की सेहत, इज्जत और एहतराम और तहफ्फुज़ समाज की जिम्मेदारी है। नायब सदर ने कहा कि आज डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं एक मशहूर इंसान दोस्त डॉक्टर और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला आन जहानी डॉक्टर बीसी रे को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क तिबी मैदान में आपकी शानदार खिदमात इंतहाई अकीदत के साथ याद किया जाता है। डॉक्टरों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं इंसानियत की खिदमत के लिए सरशार मुल्क की तिबी बिरादरी को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों के इलाज में मसरूफ़ डॉक्टरों को सलाम करते हुए कहा कि मुल्क के डॉक्टर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सफ़े अव्वल में खड़े हैं। मिस्टर मोदी ने आज डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर अपने ट्विटर पर कोरोना वॉरियर्स से डॉक्टरों को सलाम करते हुए एक वीडियो भी मुश्तरक शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क कोरोना वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के महाज पर डटे हमारे डॉक्टरों को सलाम करता है। वज़ीर आज़म ने वीडियो में कहा कि माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें दूसरी ज़िंदगी देते हैं। बहरान की इस घड़ी में अस्पतालों में सफ़ेद ड्रेस में मलबूस डॉक्टर और नर्सें ईश्वर का रूप हैं। खुद को ख़तरे में डालकर ये हमारी ज़िंदगियां बचा रहे हैं। उनके साथ बड़ा बर्ताव होता नज़र आ रहा है तो आप वहां जाकर लोगों को समझाएं। नर्स, मेडिकल स्टाफ ज़िंदगी बचाते हैं और हम उनका फ़र्ज़ कभी अदा नहीं कर सकते। ये सबका फ़र्ज़ है जो मुल्क की खिदमत करते हैं, जो मुल्क के लिए ख़ुद को वक्फ़ करते हैं। हर लम्हे उनका अवामी एहतराम होता रहना चाहिए। माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना है। तमिलनाडु से एक अंदोनाक हादसे की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक पावर प्लांट में धमाके की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी अफराद को संगीन हालत में इलाज के लिए दाखिल अस्पताल किया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक तमिलनाडु के किडलूर ज़िले वाक़ निवेली पावर प्लांट में बॉयलर स्टेज 2 में धमाका होने की वजह से कमोबेश 6 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में 17 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है, जिनमें से कुछ की हालत इंतहाई संगीन है। काबिल जिक्र है कि किडलूर राजधानी चेन्नई से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर वाक़ है। 7 यूनिट्स में मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है, 1470 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। एक ब्रायलर में अचानक धमाका हो गया जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह काबिल जिक्र गौर बात यह है कि 2 महीनों के अंदर ज़िले में यह दूसरा अंदोनाक वाक़या है। इससे पहले एलजी पॉलीमर केमिकल प्लांट में 7 मई को गैस से रिसाव हो गया था, जिसमें कम से कम 12 लोगों और कई मवेशियों की मौत वाक़ हो गई थी। सबको हैरत में डालते हुए वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 108 एम्बुलेंस में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। ये इजाफा उनकी खिदमात की बुनियाद पर ड्राइवर्स की मौजूदा तनख्वाह माहाना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 से 28,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की तनख्वाह को मौजूदा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 से 30,000 रुपये के दरमियान कर दिया गया। जगनमोहन रेड्डी आज बेंज सर्कल जंक्शन पर एम्बुलेंस का 1,068 एम्बुलेंस का आगाज़ किया। वज़रा, अरकान असेंबली और अहदेदारों ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। कुल 748
खिदमात का इफ्तिताह किया गया, जिन्हें 108 में 705 गाड़ियां देही और शहरी दोनों इलाकों के लिए मुख्तस की जाएंगी और 19 एम्बुलेंस को रिजर्व रखा जाएगा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 412 नई एम्बुलेंस खरीदी हैं और 336 एम्बुलेंस पहले से ही इस्तेमाल में हैं। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि तबलीगी जमात के शोबे हैदराबाद के ताजरीन के जिम्मेदार मोहम्मद रियाज यूसुफ साहब का आज इंतकाल हो गया। तबलीग जमात के शोबे हैदराबाद के ताजरीन के जिम्मेदार मोहम्मद रियाज टेस्ट कैटरर्स यूसुफ साहब साकिन नजद शोएब लाइब्रेरी मलकपेट जदीद वल्द जनाब मोहम्मद यूसुफ अली साहब मरहूम रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर का आज सुबह यानी 1 जुलाई की सुबह इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा तदफीन खबरस्तान एहता खादरिया मस्जिद चादर घाट में अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा दो दुख्तरान और दो फर्जंदान मोहम्मद अब्दुलरहमान हाल मुकीम ऑस्ट्रेलिया और मोहम्मद फैज़ुर्रहमान शामिल हैं। वो जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ यूसुफ मिलेनियम कॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड बंजारा हिल्स, मोहम्मद फयाज़ यूसुफ इंजीनियर हाल मुकीम अमरीका, मोहम्मद एजाज़ यूसुफ हाल मुकीम मेलबोर्न और मोहम्मद इलियास यूसुफ हाल मुकीम मेलबोर्न के भाई थे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर पर 9676666650 पर मिर्ज़ा हशमत बेग और 9391343382 पर रब पैदा किया जा सकता है। नमाज जनाजा मौलवी सईद फर्जंद मौलाना आबिद खान साहब ने पढ़ाई और मौलाना मुफ्ती आदिल ने दुआए मगफिरत की। लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन के तहत माशी सरगर्मियां शुरू होने की वजह से जीएसटी महसूल की वसूली में इजाफा होना शुरू हुआ है और इस साल जून में ये 90,917 करोड़ रुपए रहा, लेकिन पिछले साल इसी महीने में 99,940 करोड़ रुपए के मुकाबले में 9% कम है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफा होने के बाद अप्रैल और मई के महीनों के लिए जीएसटी महसूल वसूल करने के सरकारी आदाद व शुमार जारी किए गए थे। वजारत ख़जाना ने आज यहां जारी एक बयान में कहा है कि रवां साल अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपए का जीएसटी महसूल वसूल किया गया था, जो अप्रैल 2019 में जमा होने वाली आमदनी का सिर्फ 28% था। उसी तरह इस साल मई में यह रकम 62,009 करोड़ रुपए थी, जो मई 2019 में जमा होने वाली आमदनी का 62% थी। लॉकडाउन के दौरान पूरे मुल्क में सिर्फ ज़रूरी खिदमात जारी रखी गईं और मैन्युफैक्चरिंग की सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गईं। पिछले महीनों से अनलॉक के तहत माशी सरगर्मियाँ आहिस्ता लॉकडाउन वन आहिस्ता शुरू की जा रहे हैं, जिसकी वजह से जीएसटी महसूलात की वसूली में भी इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा कि रवां साल माली साल की पहली से माही में महसूलात की वसूली गुज़िश्ता माली साल की उसी से माही के मुकाबले में 59% है। ताहम टैक्स दहिंदगान के पास मई के महीने के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने का वक्त अभी बाकी है। हैदराबाद में हुकूमत लॉकडाउन करने पर कमर बस्ता होने के बाद शराब की दुकानों पर शराबियों का हजूम देखा जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो शराब की कमी या नशे की कमी का शिकार हों। आपको याद होगा कि हाल ही में जब लंबे वक्फे तक शराब की दुकानें बंद थीं तो शराब के आदि लोग तर्क शराब का शिकार होकर एरागड्डा के मेंटल अस्पताल में दाखिल किए गए थे, और इस बार जैसे ही हुकूमत ने लॉकडाउन के इम्कान का ऐलान किया तो शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शराब की दुकानों का मालिकन को भी तेलंगाना स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो से ज़्यादा स्टॉक मिल रहा है। कांग्रेस रुकन असेंबली का खैर उरूज पर है, मगर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर सिर्फ कालेश्वरम प्रोजेक्ट पोचम्मा इंदिरा सागर का भूत सवार है और वो उसी पर दिन रात अपनी सलाहियतें सर्व कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि अवाम के पास पैसा नहीं है, गांधी अस्पताल में इलाज सही तौर पर नहीं हो रहा है, वजीर आला तमाम कोरोना वायरस के मुतासरीन का खानगी अस्पताल में इंतजाम करें, इसके लिए कोरोना के मर्ज को आरोग्य श्री में शामिल करें। आज की ज़रूरत प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सेहत है। आने के बाद मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ बेड्स नहीं है, वहाँ डॉक्टर कम है, वहाँ स्टाफ नर्सा भी कम है।
मैं केसीआर साहब को मैं ये बात बोल रहा हूँ, जितने आप कालेश्वरी के लिए बात करते हैं सोचते हैं, गांधी हॉस्पिटल में जो कोरोना पॉजिटिव आके जो एडमिट हो रहा है उसके लिए कहीं को नहीं सोच रहे। डॉक्टरों को बढ़ाओ, स्टाफ भी बढ़ाओ। जो देखो, एक डॉक्टर 100 पेशेंटों को देखना बोलते तो कहाँ से होता। हज़ारा पेशेंटों को हरा, डेली 1000 पॉजिटिव लोगों को हरा, वो भी हैदराबाद में चारा, बारीकी का जिला में भी हरा। हम ये केसीआर साहब, ये टीआरएस गवर्नमेंट ये पूछना चाह रहे, पहले आपका ड्यूटी है, पहले हमारा हम पब्लिक को आप बचाओ, पहले बच्चे तो ना, पहले पब्लिक को। अगर ये कोरोना पॉजिटिव आके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, गरीब कोई तो भी आदमी गए तो 10 लाख से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और कौन सा पब्लिक लाखों रुपए लाके अब लगाने का दम है किसी के नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टरों भी परेशानी में है, 100 पेशेंटों को एक डॉक्टर देखना बोल दो, एक नर्स देखना बोल दो, मुश्किल है। वहाँ डॉक्टर्स को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं चल रहा। हेल्थ मिनिस्टर साहब, आपका ने पोस्ट है मगर आपका ने पावर नहीं। आप डेली मीडिया को सामने आप आ रहे, आप ये बोल रहे हैं कि रात को बाहर तो 9 बजे 10 बजे आ रहे हैं। नहीं, हम एक बिल्टन रोलिस क्या कर रहे हैं आप डेली हैदराबाद में 800, पूरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 200, अरे डेली 1000 लोगों को तेलंगाना में पॉजिटिव। सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकन असेंबली वंशी चंद्र रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत भर में वाक़ खानगी स्कूल्स के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों का इंतजाम करे। जियो 45 के तहत ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले तमाम अवाम की ज़रूरियात की तकमील करे। वंशी चंद्र रेड्डी आज चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम के तहत, जो तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के तहत कलेक्टर हैदराबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अफराद मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हुए हैं, आज वो असातजा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, चूँकि माह मार्च से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही हैं। वंशी ने केसीआर से ख्वाहिश की कि वो खुद अपने अहकामात पर अमल करते हुए रियासत भर में वाक़ 2 लाख से ज़ायद असातजा को जहनी सुकून और माशी इस्तेकाम बख्शें। प्राइवेट स्कूल्स में काम करते उनके तरफ से, तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के तरफ से, उनका प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अली साहब और बाकी तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के लीडर सब आज स्टेट में काम करने वाले लगभग 2 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ के तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम का ऐलान किया था। ये लोगों को, जो भी हमको पढ़ाने वाले टीचर्स को और स्कूल्स में काम करने वालों को लॉकडाउन शुरू होने से, यानी मार्च महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा, तनख्वाह नहीं मिलने से बहुत तकलीफ़ हो रहा उन लोगों को, और घर बसाने में भी बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ रहा तेलंगाना में काम करने वाले हर एक टीचर को और नॉन टीचिंग स्टाफ को। हम इसलिए आज ये सभी जो 2 लाख टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके तरफ से गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे कि आपका जो जीओ है, जीओ नंबर 45 के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में नौकरी कर रहे वो सभी एम्प्लॉयज़ को पूरा लॉकडाउन का टाइम पे भी पूरा सैलरी देना है, और अगर नहीं दिए तो उन पर सीरियस लीगल एक्शन लेंगे बोल के खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया। लेकिन आज हालात ऐसा है कि ना तनख्वाह देने में प्रेजराइज कर रहे, या ना देने वालों पर ना एक्शन ले रहे। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर को हम डिमांड कर रहे, केसीआर साहब ने बहुत बार बोले कि हमारा स्टेट रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और हमारा स्टेट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। फाइनेंशियली जो स्टेट स्ट्रांग रहता वो स्टेट में टीचर भूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर को डिमांड कर रहे कि हमारे सब लोग टीचर्स को तनख्वाह देने का जिम्मेदारी खुद चीफ मिनिस्टर लेना, और इन सब लोगों को, हमको पढ़ाई सिखाने वाले टीचर्स को सबका जिम्मेदारी, उनका तनख्वाह देने का जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर ही ले।
सदर तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम शब्बीर अली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत भर में वाक़ 15,000 खानगी स्कूल से वाबस्ता 3 लाख अफराद और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के इकदाम करें। कलेक्ट्रेट हैदराबाद पर एहतजाजी धरने के बाद मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि हुकूमत रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर हज़ारहा करोड़ रुपये खर्च कर रही है और असातिज़ा और उनके कुंबे वाले 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असातिज़ा कुछ और काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ सिर्फ उसी पेशे के लिए मुख्तस हैं, मगर आज तनख्वाहें न मिलने की वजह से आज वो इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। जितने भी 15,000 स्कूल से ये 15,000 स्कूलों में 3 लाख टीचर से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये सभी टीचर्स और नॉन टीचिंग जितने भी स्टाफ है ये सबको किसी को भी कोई भी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वाला कोई भी तनख्वाह नहीं दे रहा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे? और तीन महीने तक स्कूल नहीं खुलेंगे तो हम दूसरा काम भी करना नहीं आता, तो हम क्या काम करके जी सकते? इसलिए हम तेलंगाना प्राइवेट टीचर के फोरम तरफ से हमारे मुख्यमंत्री साहब केसीआर साहब से हमें गुजारिश कर रहे हैं कि प्राइवेट टीचर को देखिए, हमें कुछ ना कुछ मदद करिए। जो मैनेजमेंट हम कुछ सैलरी नहीं देते हुए आज हमें बगैर रोड पे छोड़ के चले गए, ऐसे मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देते हुए प्राइवेट टीचरों को बचाने की कोशिश करो बोल के हम तेलंगाना प्राइवेट टीचर की तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट है उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग कम से कम आपके दिलों में रहम पैदा करो। आपके स्कूलों में पिछले 30 साल से 40 साल से 20 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारी मेहनत से ही आज स्कूल आपके आगे बढ़ा, हमारे मेहनत से ही आपके स्कूलों में रिजल्ट आया, हमारे मेहनत से ही पूरा तेलंगाना में एजुकेशन में अच्छी रिजल्ट आ रहा, तो हमारी मेहनत को पहचानो, हम नहीं तो आप लोग नहीं है, हमारे मेहनत से आप लोग आपके परिवार के लोग खुशी से जी रहे हैं, मगर हम रो रहे हैं, हमारे घर में रोज खाने के वास्ते रोटी भी नहीं मिल रहा। ऐसी हालत में प्राइवेट टीचर को छोड़ना ये बेइंसाफ है, इसीलिए प्राइवेट मैनेजमेंट जितने भी हैं इंसाफ से देखो, प्राइवेट टीचर को सपोर्ट करो, उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ मदद करने के वास्ते सामने आओ बोल के भी तेलंगाना प्राइवेट टीचर तरफ से हम प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करें। जय तेलंगाना, जय डिबिट। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुझको कोरोना वायरस आने के बावजूद मुझ में कोरोना वायरस की किसी किस्म की अलामत नहीं है, मुझे पहले से ही सांस लेने में तकलीफ़ थी लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मुझे मेरे फर्जंद आज़म और पोतरे में कोरोना की मुस्बित अलामत हैं। मैं लॉकडाउन के मौके पर आवाम की भलाई के लिए आवाम में रहा जिससे मुझे कोरोना आने का कोई मलाल नहीं है। अभी तक किसी किस्म की अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गर्म पानी तुलसी के पत्तों को गर्म करके पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हल्दी का पानी अदरक मिलाकर पी रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना की अलामत न होने पर दवाखाने के अतराफ चक्कर लगाना, डर खौफ से ज़िंदगी गुजारना गलत है। उन्होंने कहा कि समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। केसीआर की क़ियादत में जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे हमें कोरोना से कामयाबी हासिल हो गई। आगे रहकर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, पुलिस, मेडिकल अमले के ताल्लुक से गलत तनकीदें नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर कोरोना के इंसदाद के लिए आगे आने की ज़रूरत है, मोहम्मद महमूद अली ने कहा। बड़े भाई की नाश को देखकर छोटा भाई भी फौत हो गया, ये दिल दहला देने वाला वाकया हैदराबाद के करीब मौके शमसाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्विमिंग कोच की मौत हो गई। ताम उसकी लाश देखने के बाद उसके भाई की भी मौत हो गई। इन दोनों की आखिरी रसूमात एक साथ अंजाम दी गई। इस वाक़े के नतीजे में उनके आबाई मुकाम तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के शमसाबाद में गम की लहर दौड़ गई। ये अमवाद शमसाबाद म्यूनसिपल सेंटर के सिद्धांती इलाके में पेश आया। 55 साल सुदर्शन GHMC का स्विमिंग कोच था। कबल अजीज को दिल का दौरा पड़ा था, ताम उसका इलाज किया गया था। 29 जून को सुदर्शन ड्यूटी अंजाम देने के बाद घर वापस हो रहा था कि रास्ते में ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके साथ ही मुलाजिमिन की मदद से उसको घर पहुंचाया गया। रात में एक मरतबे फिर उसको दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान उसको प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे कि इसकी मौत हो गई। उसका भाई 32 साल लावन हैदराबाद में एक प्राइवेट इदारे में काम करता था। उसको भाई की मौत की इत्तला मिली, जिस पर वो घर आया और अपने भाई की लाश देखकर वो गिर पड़ा और वहीं पर उसकी भी मौत हो गई। सुदर्शन की बीवी और 2 बच्चे हैं, जबकि लावन की अभी शादी नहीं हुई थी। कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के लिए अहकाम जारी किए हैं
और ये नई रहनुमा उसूल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएंगी। लॉकडाउन को एक हैदराबाद में के कंटोनमेंट जोन में 31 जुलाई तक बढ़ाया जाएगा। तेलंगाना में तमाम दुकानें शाम 8 बजे तक दुकानें बंद करने अहकाम जारी किए गए हैं और रात के कर्फ्यू के औकात में शाम 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक तरमीम की गई है। कंटेनमेंट जोन में हंगामी खिदमात के लिए मुस्तस्ना है। ताहम रियासत में लोगों की बैन रियासती नकलो हरकत पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई। अहदेदारों ने बताया कि लॉकडाउन खवानीन में नरमी से कोरोना वायरस मुस्बित वाकयात की तादाद में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 16,000 से ज़ायद हो चुकी है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में भारी इजाफा होता जा रहा है। चंद दिन कबल टमाटर की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो हो गई थी, ताहम मौजूदा तौर पर उसकी कीमत में अचानक इजाफा हो गया है। मार्केट के ताजरों का कहना है कि इसकी पैदावार में कमी और तलब में इजाफे के नतीजे में कीमत में अचानक इजाफा हो गया है। फिलहाल टमाटर 60-70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शहर हैदराबाद के बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है। गुड्डी मलकापुर, बोइनपल्ली, एलवी नगर, मादनापेट, सिकंदराबाद, मोंडा मार्केट और शहर के रायतू बाज़ारों में इसकी कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई में कमी हो गई है। प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी आयद करने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा मुफाद आमा की अर्जी की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। हैदराबाद स्कूल्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन ने यह मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की। अर्जी गुजार के वकील ने अदालत में कहा कि तालीमी साल के आगाज से पहले ही ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करना कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अदालत में तफसीलात पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस से गरीब तलबा से शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कोई हर ऑनलाइन के लिए दरकार लैपटॉप्स स्मार्टफोन्स के मुतमिल हो सकते हैं। इस मौके पर सरकारी वकील ने बेंच से कहा कि DEOs इस पर कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस पर हुकूमत ने कोई वाज़ह पॉलिसी तैयार नहीं की है। अदालत ने इस मामले पर तफसीलात जुम्मा तक पेश करने की हिदायत देते हुए हुकूमत को नोटिस जारी की है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने आज 1088 नई एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर आगाज किया। जगनमोहन रेड्डी रियासत में आरोग्याश्री को सख्ती से अमलावरी करते हुए गुरबा को कॉरपोरेट दवाखानों से इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। 15% खानदान आरोग्याश्री से मुस्तफीद हो रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने इमरजेंसी सर्विस को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एम्बुलेंस की गाड़ियों में इजाफा कर दिया है। जगनमोहन रेड्डी ने आज विजयवाड़ा के बेंच सर्कल पर नई एम्बुलेंस गाड़ियों का आगाज़ किया। इसमें इस मौके पर रियासती वज़रा भी मौजूद थे। अब रियासत में 74,000 अफराद में एक एम्बुलेंस दस्तियाब रहेगी। सालाना 12 लाख अफराद इस 108 और 104 से इस्तेफादा करेंगे। हर एम्बुलेंस में तमाम सहूलत फराहम की गई हैं शहर के मुकामात पर 15 मिनट के अंदर गाड़ी आवाम की दहलीज पर रहेगी। दही मुकाम पर 20 मिनट में हर एम्बुलेंस में एक CCTV कैमरा, एक मोबाइल डाटा टर्मिनल, ऑटोमेटिक लोकेशन ट्रैकर भी रहेगा। ఆ రోజుల్లో నాన్నగారు 108 అనే నంబర్ కు ఫోన్ కొడితే కొయ్ 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 అంటూ 20 నిమిషాల్లోనే అంబులెన్స్ రావాలి। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात को देखते हुए जामे मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने गुज़िश्ता 11 जून को आम नमाजियों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया था और कहा था कि यह पाबंदी 30 जून तक जारी रहेगी, लेकिन अब इस पाबंदी में मस्जिद कुछ दिनों की तौसी करते हुए ऐलान किया गया है कि आइंदा 4 जुलाई से आम नमाजी जामे मस्जिद में बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि सिर्फ ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज ही आम नमाजी इस तारीख मस्जिद में अदा कर पाएंगे। दरअसल सैयद अहमद बुखारी ने 4 जुलाई से जामे मस्जिद के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की वजह से ईशा और फजर की नमाज में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे जो जामे मस्जिद अहाते में पहले से मौजूद होंगे। गोया के मस्जिद इंतजामिया के लोग ही ईशा और फजर में शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।